हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्फ टो के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे टर्फ टो क्या होता है, टर्फ टो का डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है और साथ ही आपको बताएंगे कि टर्फ टो का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, टर्फ टो में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा बिग टो है उसके बेस पर जो जॉइंट होता है, जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज लिगामेंट्स के अंदर टीयर आ जाता है, तो इसी कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं टर्फ टो। मतलब जो हमारा पैर का अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट होता है वहाँ पर स्प्रेन आ जाने को ही हम कहते हैं टर्फ टो। दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके बिग टो के जो जॉइंट है उस पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसकी अदर फाइंडिंग्स आप रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी इसकी कर सकते हैं, जिसमें आप MRI करा सकते हैं। MRI के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज नज़र आती है। Grade 1 से Grade 3 इसकी होती है। Grade 1 में आपको माइनर पेन देखने को मिलता है और Grade 3 के अंदर आपको सीवियर पेन देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो टर्फ टो के ट्रीटमेंट के अंदर जनरली ये जो बिग टो का जो स्प्रेन होता है वो आपके प्लेंटी ऑफ रेस्ट से ही ठीक हो जाता है। कई बार नेचुरल हील हो जाता है और आप थोड़ा सा भी रेस्ट करेंगे उससे वो ठीक हो जाता है। पर कई बार आपको आइसिंग और जो स्वेलिंग आती है उसको रिड्यूस करने के लिए आइसिंग करनी पड़ती है, तो आप 10 to 20 minutes आइसिंग कर सकते हैं ताकि वो जो पार्ट में स्वेलिंग आई है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको पेन कम करने के लिए NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट पर इन्फ्लेमेशन कम हो और आपको दर्द कम हो। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, आपको एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे जो आपकी मोबिलिटी है बिग टो जॉइंट की और बिग टो की जो मोबिलिटी है वो इन्हेंस कर सके। आपकी जो लोअर फुट के अंदर जो बिग टो के सराउंडिंग्स में जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस बताए जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, जिससे आपको अपने बिग टो को मूव करने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, और बहुत ही रेयर केस के अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जब सीवियर ग्रेड का सीवियर टीयर होता है तो डॉक्टर्स सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया टर्फ टो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।